Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पंजाब की रोपर जेल में बंद बीएसपी विधायक और माफिया मुख्तार अंसारी की जिस एम्बुलेंस से मोहाली कोर्ट में लाया गया था वह विवादों में घिर गई है। यूपी के नंबर वाली यह एम्बुलेंस बुलेट प्रूफ भी बताई जाती है। जब गाड़ी के कागजातों की जांच हुई तो पता चला कि फर्जी वोटर आईडी से उसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। चर्चा है कि यह एम्बुलेंस खुद मुख्तार अंसारी की है। जब एआरटीओ प्रशासन पंकज सिंह ने एम्बुलेंस की ऑनर के रूप में दर्ज डॉक्टर अलका राय के खिलाफ धोखाधड़ी और नकली कागजात तैयार करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया है। एआरटीओ ने डॉक्टर अलका राय को नोटिस जारी कर शनिवार को अपना पक्ष रखने को भी कहा है। पुलिस की टीम एक टीम मऊ भी रवाना हो गई है। कोतवाली नगर में एआरटीओ की ओर से दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि 21 दिसंबर 2013 को एम्बुलेंस UP 4187171 का पंजीकरण डॉक्टर राय के नाम पर करवाया गया था। रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्टर अलका राय की वोटर आईडी लगाई गई थी जिस पर उनका पता मकान संख्या 56 12 बंकी दर्ज है। इस एम्बुलेंस का संचालन मऊ जिले के श्याम संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर से संबंध किया जाने का प्रमाण पत्र लगाया गया था। 1 अप्रैल 2021 को जानकारी में आया कि एम्बुलेंस का संचालन बिना फिटनेस और बीमा के हो रहा है। वाहन की फिटनेस 31 जनवरी 2017 को ही खत्म हो चुकी है। इससे पहले 23 जनवरी 2020 को भी दर्ज पते पर नोटिस भेजा गया था और फिटनेस न दर्ज करवाने पर ऑनर की वोटर आईडी की जाँच के लिए SDM सदर को भेजा गया था। SDM सदर ने गुरुवार को जाँच करवाकर अपनी रिपोर्ट दी। इसमें कहा गया है कि रफीनगर में कोई भी डॉक्टर का राय नहीं थी। इस नंबर का कोई मकान भी नहीं है। मामले की जाँच अतिरिक्त इंस्पेक्टर कोतवाली नगर MP सिंह को सौंपी गई है। एआरटीओ कार्यालय शुक्रवार को अवकाश के बाद भी खोला गया और विवेचक MP ने पंजीकरण में लगाए गए कागजात कब्जे में लिए। जांच में पता चला कि ग्रहण का समय एआरटीओ प्रशासन राजेश्वर यादव थे। वह इस समय इसी पद पर बलिया में तैनात थे जबकि पटल सहाय का नाम पता नहीं चल सका। एआरटीओ प्रशासन ने कहा कि एम्बुलेंस ओनर को बाराबंकी और मऊ के पते पर नोटिस देकर शनिवार तक पेश होने को कहा गया है। पैसा न होने पर एम्बुलेंस का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा। पंजीकरण में दर्ज मोबाइल नंबर भी स्विच ऑफ है या नंबर जिसके पास है पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। छानबीन में पता चला है कि एम्बुलेंस को फाइनेंस करवाया गया था। फाइनेंस में ओनर श्याम संजीवनी हॉस्पिटल को बताकर 2 मोबाइल नंबर दर्ज कराए गए थे। ये मोबाइल नंबर एआरटीओ में पंजीकरण में दर्ज नंबर से अलग है। लोन की रकम 36 माह में अदा करनी थी लेकिन अदायगी 33 महीने में ही कर दी गई थी। इसमें गारंटर के रूप में शेषनाथ राय नाम दर्ज है। वहीं 3 कागजात में अलका राय का नाम 3 तरह से दर्ज है। एम्बुलेंस में पंजीकरण में डॉक्टर अलका राय, वोटर आईडी में अलका राय जबकि फाइनेंस के कागजात में श्रीमती अलका राय लिखा हुआ है। एम्बुलेंस को बरामद करने के लिए पुलिस टीम को पंजाब भेजने की भी तैयारी की जा रही है जबकि एम्बुलेंस चला रहे शख्स की मुख्तार से कड़ियां भी जोड़ी जा रही है। वहीं मऊ के अस्पताल व उसके निदेशक डॉक्टर अलका राय के बैंक खातों पर भी पुलिस की निगाहें हैं। कहीं इसमें मुख्तार अंसारी या उनके गुर्गों ने कोई रकम तो अदा नहीं की। पुलिस ने बाराबंकी के पूर्व एआरटीओ प्रशासन राजेश्वर यादव, संबंधित क्लर्क और पंजीकरण व फाइनेंस में दर्ज मोबाइल नंबरों की भी रेडार पर लिया जा रहा है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.